हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। तो दिल्ली होमगार्ड एडमिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। किन बच्चों का मैसेज आ रहा है? बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया, सर हमारे इतने नंबर है लेकिन मैसेज अभी तक नहीं आ पाया है। तो कितने नंबर वालों का मैसेज अभी तक आ चुका है उस पर बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं टोटल चीज़ें आपको बताऊंगा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कल मैं 7 बजे लाइव आया था इंस्टाग्राम पर, तो आपकी मैंने वहाँ जवाब दे दिए हैं। जितने बच्चों ने पूछा है उनके वहाँ पर जवाब मैंने दे दिए थे। तो यहाँ पर दिल्ली होमगार्ड के बारे में बच्चों का मैसेज था, सर ये जो मैसेज है वो कब तक आएगा, अभी तक आ क्यों नहीं रहा है? तो ये इस बच्चे का मैसेज आया, मैंने इसका जो है नाम वगैरह यहाँ पे हाइड कर दिया है। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें 15/10/2024 का इसका मैसेज है, यानी कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ जो है इनरोलमेंट फॉर होमगार्ड वैल्यूएशन जो पोस्ट है, इसके लिए इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसमें जो है पता वगैरह कुछ नहीं आया, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके जारी होने वाले हैं, एडमिट कार्ड आएगा इसके लिए। और यहाँ पे अभी ये पता चल गया कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है। अगर मैं बात करूँ इस बच्चे के कितने नंबर है, तो लगभग 45 के करीब इस बच्चे के नंबर हैं, यानी कि 45 नंबर इसके बन रहे हैं। तो 45 नंबर यहाँ पे इसके बन रहे हैं, तो इनका जो है आ चुका है। यदि आपके 45 बन रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया है, जैसे मान लिया ये है मेरा भी मैसेज आ गया है, यानी कि 35 हैं और 18 को है, इनका 18 को है, तो इनके 35 नंबर बन रहे हैं। तो 35 वालों का भी यहाँ पे आ रहा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमारा नहीं आएगा, तो 45 वाले का भी आ रहा है। यहाँ पे 35 वाले का भी एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया है, सर 45 नंबर हैं मेरे, तो यहाँ पे मेरा भी आ चुका है। और यहाँ से नीचे कई बार जो है मेरे सर 15 को है और 23 को था यहाँ पे, और 45 नंबर इसके बन रहे हैं, यानी कि इनके भी 45 नंबर बन रहे हैं, यानी कि 45 वालों का भी यहाँ पे नंबर जो है आ चुका है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मैसेज था सर मेरे 21 नंबर हैं, या मेरे 22 नंबर हैं, या मेरे 30 नंबर हैं, सर मेरे 28 नंबर हैं। तो बच्चों अभी तक बच्चे ने मैसेज नहीं किया है, यदि किसी बच्चे का आया हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर मैसेज करें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज कर दीजिएगा कि मेरे इतने नंबर हैं, सर मेरा आ चुका है। तो मैसेज भी फॉरवर्ड करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 21 नंबर और 22 नंबर और 30 नंबर और 28 नंबर वाले अभी जो है कन्फ्यूजन में हैं कि इनका नंबर आया है या नहीं आया है, लेकिन 45 और 35 नंबर वाले का मिल गया है। हालांकि एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था सर मेरे 30 नंबर हैं और मेरा आ चुका है, तो 30 नंबर वाले का भी मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, क्योंकि आ रहा है, क्योंकि मैसेज आया था बच्चे का। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वो ही जाने, लेकिन मेरे हिसाब से तो 90% आ गया होगा उनका, और 10% में तो देखिए कुछ भी हो सकता है। और भी बच्चे हैं जो मैसेज करेंगे, उन बच्चों से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि और बच्चों के लिए भी प्लीज़ मैसेज कर दें, एक बार पता चल जाए कि कितने नंबर वालों को आ रहा है। हालांकि मैसेज आने शुरू हो गए हैं, जिस बच्चे का मैसेज नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मैसेज नहीं आया, तो उनके लिए मेल आईडी अगर आपकी है तो मेल आएगी, ईमेल आपका आएगा, ईमेल पे आप चेक करते रहें, ईमेल आपको मिल जाएगी वहाँ पे। हालांकि बहुत सारे बच्चों का मेल भी आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है। अगर टेक्स्ट मैसेज आपको नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ अपनी मेल को ज़रूर चेक करें। अगर मेल आपने ऐसी मेल लगा दी है जो आपको नहीं पता है, तो आप ऑब्जेक्शन फॉर्म खुल रहा है वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि किसकी मेल आईडी आपने लगाई हुई है। उस मेल आईडी से वाले से संपर्क करें कि हमारा एक एडमिट कार्ड आया होगा या हमारा एक मैसेज आया होगा, प्लीज़ उसको बता दीजिएगा। तो ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन है सर हमारा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही है सर हमारे इसमें जो है हमें पता ही नहीं है कि क्या हमने नंबर लगाया है, क्या हमने अपनी हुए, तो इसमें नंबर भी आपको दिख जाएगा। जब आप ऑब्जेक्शन फॉर्म में जाएंगे तो आपको नंबर भी आपको दिखेगा कि आपने कौन सा नंबर यहाँ पे लगाया हुआ, वो नंबर भी आपको दिखेगा और ईमेल आईडी भी आपको दिखेगी। दोनों चीज़ें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, दोनों चीज़ें आपको दिखेंगी। हालाँकि मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपका नंबर कहाँ दिखेगा और आपका मेल आईडी कहाँ दिखेगी, उसमें प्रॉपर है। हालाँकि मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आपको मोबाइल नंबर भी दिख रहा है और आपका ये भी दिख रहा है कौन सा नंबर आपने उसमें लगाया हुआ है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे परेशान हैं सर मुझे नंबर ही पता नहीं है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज है सर मुझे मेल आईडी पता नहीं है, तो उसमें आपको पता लग जाएगी। मैंने जो वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से जाकर देखिएगा कि मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि ये आपकी मेल आईडी है, ये आपका मोबाइल नंबर है। तो उस तरीके से अपना मोबाइल नंबर आप निकाल सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा उसके पे बिल्कुल सेपरेट, जो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आई हो तो।